राज्य में मौजूदा स्थिति पर बात करते हुए ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि हमें केंद्र सरकार को कोयले के 2200 करोड़ रुपए देने हैं, जिसके संदर्भ में मैंने मुख्यमंत्री से बात की है। वही केंद्र ने कहा कि पैसे देने के बाद ही वे कोयला देंगे, जिसको लेकर बात करना शुरू है। वही 19 तक स्थिति को नियंत्रण में लाने का उन्होंने इस दरमियान आश्वासन दिया। कोयले का भी 2200 करोड़ रुपया हमको केंद्र सरकार को देना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आप पहले पैसे दीजिए, बाद में हम कोयला देते हैं। ये भी बात है, नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए हमने उसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जानकारी दी। क्या मानते हैं कब तक स्थिति सामान्य हो पाएगी, लोड शेडिंग वाली है? देखो, मेरी पूरी कोशिश चल रही है इसको सामान्य करने की। मैं 2-3 दिन में इसके ऊपर अच्छे से वक्तव्य करूंगा। मैंने एक डेडलाइन ठहरा ली है कि 19 तारीख तक के मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँगा कि महाराष्ट्र में लोड शेडिंग ना हो। मेरा प्रयास कितना सफल होता है आप ही देखेंगे और सारे राज्य के लोग देखेंगे। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।